आप लोगों को न्यूज चाहिए थी ना, ब्रेकिंग न्यूज। एक मिनट कैमरा ऑन कीजिए। मैं देती हूँ ब्रेकिंग न्यूज। इस घटना से जुड़ा हुआ एक अहम सबूत है मेरे पास। मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये जो मेरे हाथ पे है ना, ये चिप है। इसमें राजरानी के गुनाहों का सबूत रिकॉर्डेड है और मैं आप सबके सामने आज इसे पेश करूंगी। और इसे देखने के बाद दुनिया का कोई भी कानून उस दरिंदे को सजा देने से नहीं बच सकता। जिंदगी भर वो जेल में सड़ता रहेगा। कुछ ही देर बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ये दिखाऊंगी फुटेज। आप सबको दिखाऊंगी। आप लोग जिम्मेदार मीडिया है ना, जिम्मेदार कानून है ना हमारा। आप सब फैसला करना इस दरिंदे को जिंदा छोड़ना है या नहीं। मिल गया जवाब और थैंक यू वेरी मच। कुछ देर पहले मैं असमंजस में थी, लेकिन अब तेरे इस फोन कॉल ने मेरे फैसले को और आसान बना दिया। तुझे क्या लगा था कि तू मासूम बच्चों के साथ खेलता रहेगा और तुझे कोई नहीं रोकेगा? मैं सिर्फ तुझे रोकूंगी नहीं, बल्कि तुझे जड़ से उखाड़ कर फेंकूंगी। जलील औरत, अरे ओ, मुझे आंख दिखाती है तू? राजरानी को आंख दिखाती है? नहीं, बताते हूं तुझे। ए बैजू, इसकी छोकरी को लेके आ, अभी इसी वक्त। बताती हूं तुझे। इंदिरा जी, आपका दावा है कि आपकी बेटी उसके पास है, क्या आपको डर नहीं लगता? अगर उसने आपकी बेटी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या मार डाला तो आप क्या करेगी? प्लीज बताइए हमें। बताइए ना मैडम, कुछ तो बताइए। बोलिए इंदिरा शर्मा जी, क्या करेंगी आप? आपके नेक विचार सुन के सबको अच्छा लगा कि आप लाखों जिंदगियों के बारे में सोच रही हैं। अच्छा है, लेकिन आपकी बेटी की जिंदगी का? अरे क्या करेंगी इंदू का, बताइए ना। जानती है वो कितनी खतरनाक है। चिप उसको नहीं मिली, अगर ये आपने मीडिया में दिखा दी तो फिर मती जी, इंदू के साथ कोई हादसा हुआ तो फिर? मती जी, आपसे बात कर रहा हूँ, बोलिए ना। बताइए ना इंदिरा जी, और आपकी बेटी का क्या? आप इन लाखों लड़कियों के लिए अपनी बेटी का बलिदान दे देगी? कुछ तो बोलिए। बोलिए ना मैडम, कुछ तो बोलिए। मेरी बच्ची मुझे अपनी जान से भी प्यारी है ऋषि, और जरूरत पड़े तो मैं फर्ज के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। इस फैसले से लाखों मासूम लड़कियों की तकदीर जुड़ी है, उनका आने वाला कल जुड़ा है। इसलिए मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। ममता सिर्फ फोक से नहीं होती ऋषि, इंसानियत के हाथों मजबूर हूं। मैं ये सब कहकर आप सबकी नजरों में महान नहीं बनने की कोशिश कर रही हूं, ना ही मुझे कोई मेडल चाहिए, ना ही मुझे सुर्खियों में रहना है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं दरिंदे को सजा मिले और फिर से कभी भी किसी की बेटी की जिंदगी उस दरिंदे की वजह से बर्बाद ना हो। आए देखो तो कैसी माँ है ये। बिल्लो रानी, तेरे पर तो ना मुझे बहुत तरस आता है, लेकिन तेरी अम्मा पे
बड़ा गुस्सा आता है। राज रानी का धंधा बर्बाद करेगी ये, मेरा देखती हूँ तुझे। ए बाजी ले जाए सर। इंदिरा जी आपने वादा किया था कि आप राजरानी के खिलाफ कोई अहम सबूत दिखाने वाली है, पूरी मीडिया को उसका इंतजार है, प्लीज हमें जल्दी वो सबूत दिखाइए ना। हाँ हमें वो सबूत दिखाइए प्लीज। आज मुझे समझ में आया आप लोग क्यों इनसे इतना चढ़ते हैं, क्यों इन्हें अपनों सा प्यार नहीं देते। नहीं गलत था, इनको समझने में मैंने गलती कर दी। अपनों सा प्यार तो उसे दिया जाता है जो अपना समझे, और ये तो अपनी बेटी को ही अपना नहीं समझते। कहना पड़ेगा ऋषि, आपका भरोसा बहुत हल्का निकला। एक ही झटके में डगमगा के इतनी जल्दी डाउट कर लिया मुझ पर। खैर, मुझे किसी को भी सफाई पेश नहीं करनी। इंसानियत और ममता दोनों का फर्ज निभाऊंगी मैं। और एक बात याद रखिएगा, इंदु का बाल भी बाका नहीं होने दूंगी। मुझ पर भरोसा ना से, कम से कम मेरा साथ तो दे सकते हैं ना। मुझे देंगे मेरा साथ। भाई साहब मेरे हिंदू की जिंदगी और मौत का सवाल है, थोड़ी सी भी चूक हुई ना भाई साहब हम अपने हिंदू को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। करना क्या तुझे बता, मेरे को क्या करना है? श्रीमती जी को ये सबूत मीडिया के सामने दिखाने से रोकना है, बस और कुछ नहीं। कैसे? श्रीमती जी मेरा साथ नहीं दे रही, लेकिन आप तो दोगे ना मेरा साथ हमारी हिंदू को छुड़वाने। कान के नीचे खींच के मारूंगा मैं यार। ये पूछने की बात है क्या? शुरू तो छोटे कुछ नहीं होगा अपने हिंदू को यार, कुछ नहीं होगा। पुलिस मजबूर है, कानून मजबूर है, आज मजबूर है एक माँ जिसके पास राजरानी के खिलाफ सबूत तो है लेकिन उसकी मासूम बेटी राजरानी के कब्जे में है। अब देखना यह है कि राजरानी की जीत होती है या उस माँ की, उसके हाथ में पूरी नारी जाति की अस्तित्व की भागदौड़ है। क्या देख रहे हो, जबकि ये राजरानी साक्षात आपके सामने मौजूद है। नमस्ते। अरे राजरानी आ गई, देखिए राजरानी आ गई।
कॉन्फ्रेंस में सनसनी मचाती हुई मुख्य आरोपी राज रानी आ पहुंची है। आओ ना एसीपी। नमस्कार, आप सबको राज रानी का नमस्कार। आप सबको देखकर तो मैं धन्य हो गई। कर ले, इतनी नौटंकी करनी है कर ले, और तुझे आता ही क्या है। यहाँ तू नौटंकी कर रही है, वहां तेरी बेटी मुझे नौटंकी दिखाएगी, वो भी घुंघरू बांध के, और वो भी ऐसी कि तेरी जैसी माँ ने आज तक नहीं देखी होगी। निकल गई तेरी अकड़। अरे अगर ये राज रानी अपनी औकात पर आ जाए ना तो अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देती है। और जब एक माँ अपनी औकात पर आ जाए ना तो अच्छे अच्छों की नौटंकी भुला देती है। फिर तू किस खेत की मूली है? अरे देखो तो, अभी तक अकड़ नहीं गई इसकी। जा कहाँ रही? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? चल हट जाते। छोटी सी बच्ची के पैरों में घुंघरू बांधेगा तू? हिम्मत कैसी हुई? फॉल्स है। या ठीक नहीं है? हम आप पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। फॉल्स है। बोला छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। हिम्मत कैसी हुई? फॉल्स है मुझे। या ठीक नहीं कर रही है? आप कैसे लगाए मेरी बेटी को? छोड़ूंगी नहीं इस कमीटी को जिंदा। राज रानी पेल दी चोरी मुझे ऋषि होश में आई है, जानती है ना हमारी हिंदू इसके कब्जे में। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी ऋषि, चोरी मुझे। सिंबत्ते जी शांत रहिए, शांत रहिए। हमें अपने हिंदू को छुड़वाना है ना पहले। सिंबत्ते जी मैं आपके साथ हूँ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वकील साहब समझाइए इन्हें, नहीं तो हम इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। पहले सबूत देखना, उसके बाद डिसाइड करना कि किसे गिरफ्तार करना है। शांत हो जाइए श्रीमती जी, चलिए करिए जो करना है ना, आपको करिए करिए, आप अपने मन की कीजिए ना, चलिए। मुझे पूरा भरोसा था कि आप मेरा साथ जरूर देंगे। चलिए कुछ भी करने से पहले सोच लेना, तुम्हारी वो नन्ही सी जान मेरे कब्जे में है। पहले सबूत देख ले, उसके बाद बकना। सज रही गली मेरी माँ मेरी गोठे में, सज रही गली मेरी माँ मेरी गोठे में, सज रही गली मेरी अम्मा सुनहरी गोठे में। गया आए, हाय तेरा सबूत। क्या यही सबूत था? क्या हमें ये दिखाने के लिए बुलाया था आपने? और नहीं तो क्या,
अगर टीवी पर ही आना था तो पहले बता देती, आपके लिए हाफ पेज छपवा देते हम, वो भी फ्री में। ये रही तुम्हारी असली चप। अरे ओ चिकने, मैंने तो सुना था कि कंजी आंखों वाले बड़े धोखेबाज होते हैं, लेकिन तू तो बड़ा ईमानदार निकला रे। ला चिपला। पहले मेरी बेटी इंदु। देखिए आप चुपचाप यहां से चले जाइए, मैं आपसे मिलता हूं बाद में। यकीन कीजिए मेरा, मैं ये चिप आपको दे दूंगा, लेकिन बदले में आप मेरी बेटी को सही सलामत मेरे हवाले कर दीजिए। जाइए। देखती है। छोड़ो, मुझे छोड़। छोड़ दीजिए इसे, ओ इंदिरा ऋषि कुमार, निकल गई तेरी ठसक, दिखा दिया सबको मेरे खिलाफ सबूत। अब तू मेरी सुन, तूने राज रानी की प्रतिष्ठा का हनन किया है, लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की है, बेइज्जती। मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ने वाली, तेरे खिलाफ मानहानि का दावा करूंगी, तुझे जेल भिजवाऊंगी, चक्की पिसवाऊंगी। बारी कहती है कि मेरा कोई ईमान नहीं और तेरा? अरे तूने टीवी पे आने के लिए अपनी बच्ची तक का इस्तेमाल कर लिया। हाय हाय बेशरम माँ, आए ऐसी बेरहम माँ मैंने आज तक नहीं देखी। छोड़ूंगी तो मैं तुझे नहीं। आ, माता काली, ऐसी बेरहम माँ मैंने कभी नहीं देखी। छोड़ो, इंद्रा रहने दे। आए कैसी माँ। चलिए भैया आप सब लोग जाइए, है ना, आपका काम हो गया ना, आपको सबूत चाहिए था, जो था वो दिखा दिया आपको। चलिए अब जाइए, जाइए जाइए, सब लोग जाइए। ऋषि भैया आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है, मीडिया यहाँ, आप खबर बनाइए, यहाँ तो कुछ है नहीं, आप जाइए कहीं और खबर बनाइए। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ, अपनी श्रीमती जी की तरफ से भी माफी मांगता हूँ, आप लोग जाइए प्लीज। हाँ हो गया, यहाँ पे कोई नौटंकी ड्रामा नहीं, चलिए जाइए आप प्लीज, जाइए जाइए, यहाँ कुछ नहीं है। बात सुनिए, देखिए मेरे पास वो चिप था, किसी ने मेरे साथ धोखा किया है, प्लीज मेरी बात मानिए, मैं आपको असली चिप दिखा सकती हूँ। आप प्लीज मेरी बात तो मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रही, इंदिरा शर्मा कभी नहीं झूठ बोलती। कोई बात नहीं इंदिरा जी, शोहरत और पब्लिसिटी के लिए झूठ बोलना पड़ता है, कल आपकी फोटो छप जाएगी, ठीक है, एंजॉय कीजिए। आप तो बड़ी सस्ती पब्लिसिटी वाली औरत निकली, हिटलर दीदी। सुनिए बात तो सुनिए, सुनिए। अरे क्या, रुक जाओ पब्लिक, मैं चिप दिखा सकती हूँ आप लोगों को। छोड़ो, चिप किस्ते बदली, बहुत चिप किस्ते बदले। दूर रह तू, दूर रह मेरे बेटे से, खबरदार जो हाथ लगाए तो, और नहीं तो खुद की बच्ची की तो चिंता नहीं है, ऊपर से मेरे बच्चे पे झपट रही है तू। थोड़ी बहुत भी चिंता है इंदु की, हमें है। श्रीमती जी इस बच्चे पर हाथ उठाकर क्या पूछना चाह रही हैं? मैंने बदली है चिप, असली चिप मेरे पास है, बोलिए। आप सबने मुझे धोखा दिया, उसे जिसने आप सबको बरसों से पाला है। करना पड़ा श्रीमती जी, हम सबको ये करना पड़ा, क्योंकि आपके लिए आपकी बेटी से पढ़कर आपका ईमान हो गया है। बहुत सही किया है ऋषि ने। कैसी माँ है तू? तू हमेशा मुझे कोसती थी, लेकिन आज तू तो मुझसे भी दो कदम आगे निकल गई। अरे तेरे दो टके के आदर्श के लिए तूने तूने अपनी बच्ची का सौदा किया। मैं मानती हूँ कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के चली गई थी, लेकिन बाय गॉड खा के कह रही हूँ, मेरे बच्चों के खिलाफ कोई अगर एक वर्ड भी बोलता ना, तो मैं उसकी आंखें नोच लेती।
सरे आम अपनी बेटी की आंखें नचवा ली। छी,